श्री हिंदू न्यायपीठ लई बड़ी खुशकिस्मती और हर्ष का विषय है कि अपने स्थापना दिवस तो हमेशा ही इनू महापुरशों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा। अज भी सानू वेद मंदिर तो बहुत ही आदरणीय स्वामी दरवेशरानंद जी जिन्होंने अज श्री हिंदू न्यायपीठ मार्गदर्शक मंडल सदस्या के तौर के उत्ते ज्वाइन किया। उन्होंने नाल उन्होंने ज्वाइन करन अज साडे बहुत ही आदरणीय स्वामी अध्यात्मानंदपुरी जी महाराज आए हैं हिंदू न्यायपीठ मुख्या कार्यालय दे विच। हिंदू न्यायपीठ हमेशा तो धर्म के प्रसार प्रचार और इहदी रक्षा लई दृढ़ संकल्पित है और हमेशा असी संत समाज के मार्गदर्शन के शास्त्र संबत जो भी समाज में दिशा देने की जरूरत होंगी है वो उत्ते पूरा पहरा देने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मेरा नाम डंडी स्वामी देवेश्वरानंद तीर्थ है। मैं वेद मंदिर से आया हूँ और बड़ी ही खुशी की बात है कि श्री हिंदू न्यायपीठ के अध्यक्ष श्री प्रवीण डंग जी प्रवक्ता और इनके कार्यकर्ताओं के सम्मुख मैं ये आज हिंदू न्यायपीठ को ज्वाइनिंग करता हूं और इन्होंने ज्वाइनिंग करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय जो समय चल रहा है भारत देश की जो स्थिति है इसमें संघे शक्ति कलयुगे ये सूत्र है। ऋषि मुनियों ने बताया कि संघ में ही शक्ति है और धर्म की स्थापना के लिए चाहे धर्म के लिए हर समय तत्पर रहने के लिए हिंदू न्यायपीठ तत्पर ही रहता है। और कहते जब तक समाज में हम जागेंगे नहीं जब तक धर्म कर्म के लिए हम आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। और धर्म की रक्षा के लिए इस संसार में एकजुट होना जरूरी है क्योंकि अन्य जो धर्म है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सनातन धर्म के ऊपर उंगली भी उठाते हैं। उनकी उंगली को शांत करने के लिए उनके विचारों को शांत करने के लिए संघ में शक्ति है और सभी को एकजुट होकर के हिंदू न्यायपीठ की तरफ से धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हम सब लोग काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रवीण डंग जी का और समस्त हिंदू न्यायपीठ के जो पदाधिकारी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। जय श्री राम।